आप सभी को नमस्कार दोस्तों, मैं शिवनाथ मिश्रा और हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जिसको सामने देख रहे हैं कैमरे के, वो हमारे हरैया के श्रीमान शिव साहब शेषमणि उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि आज कोरोना काल चल रहा है इसलिए लोग जब घर में बैठे हुए थे, अभी तक घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, उनको कोरोना महामारी का डर लग रहा था। उस बीच में हमारी सेवा करने के लिए सदैव तत्पर रहने वाले ऐसे हमारे सभी यशस्वी अधिकारी, जैसा कि मैंने पहले भी इंटरव्यू लिया था और आज आपने सर हमारे साथ समय दिया, इसके लिए हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि आपका जो विद्यार्थी जीवन था वो कैसा रहा, बचपन आपका सर कैसे बीता, पढ़ाई किया और प्रारंभिक जीवन? मेरा जो नेटिव प्लेस है, जो मेरा पैदाइश का स्थान है, वो जिला अम्बेडकर नगर है जी। अम्बेडकर नगर की टांडा तहसील पड़ती है, टांडा तहसील में रामपुर कला गाँव जी, वहाँ मेरा जन्म हुआ था। और बचपन से लेकर और इंटरमीडिएट तक की परीक्षा जो शिक्षा है वो मैंने गांव में रखा जी जी। उसके बाद फिर मैं बाहर गया, फिर मैंने BSc किया बेस केमिस्ट्री मैथ से जी। और फिर एंशियंट हिस्ट्री से मैंने MA किया जी। MA करने के बाद मैं पुलिस सेवा में आया एज ए सब इंस्पेक्टर, और फिर विभिन्न पदों पर रहता हुआ 2014 में मैं डिप्टी SP मेरा प्रमोशन हुआ, और तब से लेकर अब तक मैं विभिन्न स्थानों पर डिप्टी SP के तब तक कार्यरत। सर, जैसे आप पढ़ाई किए तो डायरेक्ट आपको पुलिस फोर्स ही ज्वाइन करना था या और कुछ आप बनना चाह रहे थे? पढ़ाई शुरू करने के पीरियड में तो ऐसा, पहले तो मेरी इच्छा थी इंटरमीडिएट तक जब मैं पढ़ रहा था जी, तो मेरी इच्छा ये थी कि मैं साइंस का स्टूडेंट था तो मैं BTech करूँ जी, लेकिन उसमें मैं सफल नहीं हो पाया। एक बार मैंने तो लिया तो मेरा सफल नहीं हुआ, इंटर पास करने के बाद दिया तो जब नहीं हुआ तो फिर मैंने BSc ज्वाइन कर ली, और उसके बाद फिर BSc करने के बाद फिर जब MA किया तो MA करने के बाद मुझे पुलिस सेवा में जाने का मेरा मन हुआ कि कुछ देश के लिए, कुछ पब्लिक के लिए करने का यहाँ पर हमारे पास काफ़ी स्कोप है जी, तो इसलिए मैं अपनी स्वेच्छा से पुलिस सेवा में। मतलब सर, आपको प्रेरणा किसी को देख कर या ऐसे ही फिर अचानक मन में आ गया कि अब मैं पुलिस फोर्स ज्वाइन करूँ? हमारे गांव में हमारे खानदान में बाबा जी थे, ग्रैंडफादर जी जी, वो पुलिस सेवा में उस समय थे जब हम लोग छोटे छोटे थे जी, तो उनको देखते थे। और पढ़ाई पीरियड में भी जब मैं बिल्कुल टीनेजर था, हाई स्कूल इंटर में पढ़ता था, तो उस समय भी पुलिस सब इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर की वर्दी काफ़ी आकर्षित करती थी कि ये लोग आ रहे हैं और कुछ ना कुछ लोगों के लिए कर रहे हैं, पीड़ितों की कुछ सहायता कर सकते हैं, तो इन सब चीज़ों को देखकर मैं आकर्षित हुआ कि मुझे पुलिस सेवा में जाना है। सर, जैसे कि पुलिस सेवा में जाना है और आप आ गए, ज्वाइन किए, और फिर इस बीच में बहुत सारे संघर्ष आते हैं, जैसे पुलिस का जीवन से बहुत संघर्षमय होता है, कोरोना काल चल रहा है, हम घर में बैठे हैं और आपको हमारे लिए सेवा आप दे रहे हैं सर बाहर, तो ये बहुत बड़ा संघर्ष होता है सर, इसको कैसे आप? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी कि पुलिस की जो सर्विस है उसमें बहुत बहुत ही अपेक्षाएँ हैं और बहुत ज़बरदस्त संघर्ष है। कोरोना काल में पुलिस के सामने बहुत सारी चुनौतियाँ हैं, लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कराना है, लोगों को मास्क भी पहनवाना है, और इसके अलावा जो अपराध हो रहे हैं उनको भी रोकना है, और अगर अपराध हो जाता है तो अपराध होने के बाद भी त्वरित कार्रवाई करके पीड़ित को न्याय दिलाना है, और जो अपराधी हैं उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करना है। तो इसी सब चीज़ों को मिलाकर देखें तो हमारे बहुत सारे पुलिस के ऑफिसर्स, पुलिस के जवान अपने कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान ही कोरोना पॉजिटिव हो गए। मान लीजिए कोई घटना हुई, हमने किसी अपराधी को गिरफ्तार किया पुलिस टीम ने, और उसके बाद अब वो समय नहीं पता है कि उसको कोरोना है या नहीं है, लेकिन उसको अरेस्ट करना ही करना है, और उसके बाद उसको जब हॉस्पिटल भेजा और उसका कोविड की जाँच कराई तो कोरोना पॉजिटिव निकला, तो पता चला कि हमारी जो गिरफ्तार करने वाली टीम थी 5, 7, 8, 10 लोग भी कोरोना पॉजिटिव हो गई।
इसके अलावा मान लीजिए कहीं पर कहीं मार्केट पर सूचना मिली, वहाँ पर हमारी टीम गई, वहाँ पर कोई कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति है, उससे हमारी टीम को हमारे सदस्य कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं, फिर एक के संपर्क में आगे दूसरा हो जाता है, तो ये तो थोड़ा छूट से करने वाली मतलब उससे आस पास में दूसरे से करने वाली बीमारी है। तो इस कंडीशन में एक बहुत बड़ी चुनौती है जिसको हम लोग पूरे अपने नवयोग से और पूरा अपना 100% हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम इसको काबू में रखें, शांति व्यवस्था भी बनाए रखें और अपराधों को भी नियंत्रित करें और लोगों को कोरोना महामारी से बचाने का भी हम लोग भरसक प्रयास कर रहे हैं। सर, जैसा कि आप जब विद्यार्थी जीवन से पुलिस फोर्स ज्वाइन किए तब से अभी तक बहुत सारे संघर्ष, बहुत सारी चुनौतियाँ आई गई होंगी, सर उसके बारे में थोड़ा सा उल्लेख करें। सर, विद्यार्थी जीवन पर मैंने आपको बताया शुरू में भी कि मेरा जो बचपन था वो गांव में बीता, वो 17 साल की उम्र तक यानी कि इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करने का लिए। पिताजी मेरे जो कि किसान हैं और मैं एक साधारण परिवार से हूँ जी, तो इसलिए जो भी संघर्ष किया अपने संघर्ष के बल पर और ईश्वर की कृपा से मैं यहाँ तक पहुँचा और अभी भी मेरा प्रयास ये रहता है कि जो भी हमारे समाज के जो भी लोग हैं, पीड़ित हैं, शोषित हैं, उनका हम जितनी संभव मदद कानून के दायरे में रखकर कर सकते हैं उतनी हम पूरा करने का प्रयास करते हैं। सर, थोड़ा सा हम एक क्वेश्चन ये पूछना चाहेंगे जीवन से थोड़ा हटके है कि सर, पुलिस फोर्स ज्वाइन करना, ड्रेस पहनना और देश की सेवा करना, ये हर किसी को अच्छा लगता है, जैसे कि आपको भी अच्छा लगता है, अभी आपने बताया, थोड़ा इसमें सर जो पॉलिटिकल प्रेशर रहता है, जो आपसे जूनियर अधिकारी हैं, थोड़ा सा हम जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पे हम लोगों को कई बार परेशानी हो जाती है, उनको जो SHO होते हैं परेशान करते हैं, या उनका FIR दर्ज नहीं होता है, उनको कभी बार ऐसे झूठे बैठा लिया जाता है, इसको सर कैसे आप मैनेज करते हैं क्योंकि आप सीनियर अधिकारी हैं। देखिए, इस संबंध में आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है जी। इस संबंध में सर जनता को बहुत परेशानी होती है, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा इसके बारे में आप जरूर कोई रास्ता बताएं जिसके साथ ये होता है। सर नहीं, इस संबंध में देखिए बिल्कुल आपका प्रश्न अच्छा है और इस संबंध में हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय ने भी मीटिंग में स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कोई भी पब्लिक का आदमी अनावश्यक रूप से थाने पर नहीं बैठाया जाएगा जी। यदि किसी को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है तो उसको नियमानुसार समय से जो भी पूछताछ के बाद या तो उसके परिजनों के हवाले कर दिया जाए या यदि किसी केस का वो मुलजिम है तो उसको रिमांड लेकर कोर्ट में और उसको जेल कर दिया जाए जी। अनावश्यक रूप से किसी व्यक्ति को थाने पर बुलाकर डिटेन नहीं किया जाएगा, ये हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय का भी सभी थानेदारों को निर्देश है और मेरी तरफ से मैंने भी सभी हमारी सभी पाँचों थाने सभी पर मैंने स्पष्ट बताया था कि कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से किसी भी दशा में थाने पर डिटेन नहीं किया जाएगा और मैं इसकी प्रॉपर चेकिंग भी करूँगा। अगर चेकिंग के दौरान कहीं होता है कि अनावश्यक किसी को बुलाकर बैठाया गया, परेशान किया जा रहा है, तो कंसर्वे के खिलाफ मैं रिपोर्ट सर्वेक्षण महोदय को पेश करूँगा और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर, ये कोरोना काल चल रहा है, इसमें अब हालांकि पूर्ण जो लॉकडाउन हुआ करता था सरकारी संदेह हर तरीके से हटा दिया गया, केवल धारा 144 हमारे यहाँ पे लागू हुआ है। अब इस बीच में सोशल डिस्टेंसिंग भी होना चाहिए, मास्क भी लगे रहे, लॉकडाउन भी नहीं है, जो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन थी उसको हटा दिया गया, केवल 144 लागू है। सर, अब तो बहुत बड़ा चैलेंज था आपके लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, कोरोना इस समय अपने चरम पर है, कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है और लॉकडाउन एक लिमिटेड पीरियड के लिए हो सकता है, लगातार लॉकडाउन को रखा भी नहीं जा सकता क्योंकि उससे जुड़ी बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारी इकोनॉमी बिल्कुल कमज़ोर हो जाएगी, व्यापार प्रभावित हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में लॉकडाउन को एक टाइम पीरियड के लिए किया गया था, अब वो लॉकडाउन हटा लिया जा रहा है। तो अब पुलिस की जिम्मेदारी है और पब्लिक की भी जिम्मेदारी। देखिए, पुलिस जो भी कर रही है वो पब्लिक को बचाने के लिए कर रही है कि हम लोगों को कोरोना से बचाएँ, उनका जीवन बचाएँ, उनको परेशानी से बचाएँ। तो पब्लिक का भी दायित्व है कि जो सरकार की गाइडलाइंस कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करेंगे, मास्क पहनेंगे, हाथों को रेगुलर धोते रहेंगे, ये
इन बातों को प्रशासन की गाइडलाइन है उसको हम लोग पालन कराते हैं, और इसको पालन करना जनता का भी नैतिक दायित्व है जी, और उनकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी आवश्यक है जी। तो इसमें अब चैलेंज वास्तव में बढ़ गया है, और हम लोग इसके लिए लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। हमारी खाने की टीम द्वारा कई जगहों पर मास्क का वितरण भी किया गया है, जो लोग मास्क पहने नहीं मिले उनको मास्क बांटा गया, भाई आप मास्क पहनिए, इससे आपकी सुरक्षा है, आप सुरक्षित रहेंगे और दूसरों को भी संक्रमण नहीं होगा। इसके अलावा कई बार समझाने के बावजूद जो सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते हैं उसके संबंध में सरकार के भी निर्देश हैं कि उनके खिलाफ 188 IPC और पैंडेमिक एक्ट की धाराओं के तहत चालान की कार्रवाई की जाए, जो लोग मास्क नहीं पहनते हैं उनसे जुर्माने की कार्रवाई भी की जाए पैंडेमिक एक्ट में, इसका भी हम लोग इन्फोर्समेंट कर रहे हैं, समझा भी रहे हैं, मास्क नहीं बांटा जा रहा है, अनुपालन कराने का प्रयास भी है, और जो नहीं मान रहे उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर रहे हैं, क्योंकि शासन का ही निर्देश है और शासन की मंशा के अनुरूप ही हम लोग अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। सर, जैसा कि जब से आप जॉब कर रहे हैं पुलिस फोर्स, आपने देश की सेवा जब से आप कर रहे हैं अभी तक, आपने सब क्या अनुभव महसूस किया, थोड़ा सा जो युवा पुलिसकर्मी पुलिस ज्वाइन करते हैं उनको थोड़ा सा इसे सीख मिलेगा, सहायता मिलेगी? जो भी युवा पुलिसकर्मी पुलिस सेवा में आना चाह रहे हैं या अभी आ चुके हैं जी, मेरा उनको यही मेरा सबमिशन है कि अपना बेहतर करने का प्रयास करना जी। हमारी अंतरात्मा की आवाज़ सबसे बड़ी आवाज़ है, अगर हमें लगता है किसी जगह कोई घटना होती है हम जाते हैं, हमें लगता है कि हाँ ये घटना सही है, वास्तव में मारपीट हुई है या ऐसे उसको प्रताड़ित किया गया है पीड़ित को, तो हमें पीड़ित का पक्ष लेकर उसके साथ न्याय करने का जो भी हमारा कार्य है उसको करना चाहिए। सबसे बड़ी आवाज़ यही है कि अंतरात्मा की आवाज़ हमारी है, हम फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमन हैं, मनुष्य हैं, तो हमें मानवता के दृष्टिकोण से भी, ऑफिसर को हम बात नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मनुष्य, तो हमें मानवीय दृष्टिकोण को हमेशा बनाए रखना है, किसी भी पीड़ित के साथ अन्याय न होने पाए इस पर ध्यान रखना है, क्योंकि जब आप अच्छा कार्य करेंगे तो आपको दिन भर में आपने मान लीजिए काम किया, रात को सोते समय आपको लगेगा कि हाँ आज मैंने भला के लिए इसका ये हमने भला करा दिया, इसका एक काम था, इसका एक रास्ते का विवाद था, इसको मुझे बैठ के सही करा दिया गया, या जिसको किसी हमारा पीछा उसे हमने गिरफ्तार करवा के जेल भेज दिया, तो हमें आपकी संतुष्टि मिलेगी कि हमने कुछ किया। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमेशा अपनी तरफ से अपना बेहतर करने का प्रयास करना चाहिए, और आप घटनास्थल पर भी पुलिस ऑफिसर मेरा ये मानना है कि जब भी घटनास्थल पर जाते हैं तो हमको ये पता चल जाता है कुछ ही देर में कि वास्तविक घटना क्या है और बताया क्या जा रहा है ठीक। तो सभी पुलिस ऑफिसर जब उसमें अपना पूरा करेंगे, एक बार या दो बार घटनास्थल पर जाएंगे, तीन बार जाएंगे, तो सारे सामान को मिल जाएगी कि वास्तव में क्या हुआ था और बताया क्या जा रहा है। सर, थोड़ा अंतिम क्वेश्चन ये जानना चाहेंगे सर, जो क्षेत्रवासी के युवा, बहुत सारे युवा लोग आपको सुन रहे सुनेंगे इस वीडियो को, उनके लिए सर क्या संदेश दे रहे हैं? सभी जो क्षेत्रवासी, इस क्षेत्र के युवा हैं, जो इस हमारे प्रदेश के वासी हैं, जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप इतना परिश्रम कर रहे हैं, तो मेरा ये कहना है कि हमें हमेशा पॉजिटिव सोच रखनी है, जहाँ भी हम रहते हैं वहाँ पर हमेशा एक पॉजिटिव दृष्टिकोण रखते हुए अपना बेहतर करने का प्रयास करना है, बाकी भी जो लोग हैं उनको मोटिवेट करना है बेहतर प्रयास करने के लिए। गाँव में छोटे छोटे झगड़े होते हैं, नाली का विवाद, पानी का विवाद, उसी में मारपीट शुरू हो जाती है, अगर गाँव के हमारा युवा वर्ग ही ये सोचे कि भाई हमें पॉजिटिव काम करना है, ठीक है अगर एक फिट नाली उसको दे देने से ये चीज़ खत्म हो जाती है, तो एक फिट नाली दे देने को करके उसका विवाद खत्म करना ज़्यादा अच्छा है, बजाय इसके कि आप दीवानी में जाएँ और 20 साल तक दीवानी लड़ें और जितने की ज़मीन आप मनी किए हैं उसका कई गुना पैसा आपका उसमें खर्च हो जाए, तो छोटे मोटे विवादों को आपस में बैठ के सॉल्व किया जा सकता है, जो सामाजिक हमारा समझता है उसको बनाए रखना भी युवाओं का दायित्व है, कि किसी गांव में अलग अलग कास्ट के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, तो उनमें भी आपस में समझता बनी रहती है, क्योंकि हम सब यहीं पैदा हुए हैं, रहना हमको यहीं पर है, तो आपस में विवाद का या आपस में संघर्ष करने का कोई लाभ नहीं। कभी कभी छोटे कुछ लोग अपना स्वार्थों के तहत लोगों को उसका के लड़ाई करा देते हैं, अहिंसा देते हैं, लड़ाई मारती की जाती है, इन चीज़ों को हमारा युवा वर्ग जो पढ़ा लिखा है वो अगर पॉजिटिव सोचेगा तो ऐसे छोटे मोटे झगड़े कभी नहीं होंगे, और छोटे मोटे विवाद बैठ के आपस में सॉल्व कर लिए जाएंगे, तो पुलिस के ऊपर भी इतना ज़्यादा दबाव नहीं पड़ेगा,
और वो भी आदमी पुलिस उसके बाद फिर थाना फिर कचहरी जाने से बचा रहेगा, उसका पैसा ही बचेगा, समय भी बचेगा। जैसा कि दोस्तों अभी तक आप अररिया के क्षेत्राधिकारी श्रीमान शेषमल उपाध्याय जी को सुन रहे थे, जिनके माध्यम से आप सभी को जीवन में कैसे मेहनत करना चाहिए, सक्सेस आपको कैसे मिले, इसके बहुत सारे टिप्स आपने सुना। युवाओं को कैसे मेहनत करना चाहिए, जो युवा पुलिसकर्मी हैं उनकी क्या दायित्व हैं अपने पद पर रहते हुए, हर किसी को इस कोरोना काल में कैसे हमको बच रहना है, तमाम सारे प्रश्नों का उत्तर देते हुए आप सभी ने हर चीज़ का जवाब अच्छे से सुना और इसका पालन करना आपका दायित्व बनता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।